अपना शरीर दान करना इंसान के लिए सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। ऐसे ही पुणे की भागी बने हैं मंडी जिला के बल उपमंडल के रिवालसर के रहने वाले एक किसान दत्तराम डोकरा, जिन्होंने मरणोपरांत मानवता के लिए अपने शरीर के समस्त अंग व देह दान करने का निर्णय लिया है। दानी दत्तराम डोकरा पुत्र सुखिया ग्राम सरवार उप तहसील रिवालसर के रहने वाले हैं। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के नेत्रांक जाकर देह दान की सभी औपचारिकताओं को पूरा किया। 45 वर्षीय किसान दत्तराम डोगरा ने कहा कि मृत्यु के बाद हमारे शरीर के काम आने वाले अंग, आंखें, गुर्दे, ब्रेन पार्ट आदि अन्य अंग जरूरतमंद असहाय व गरीब लोगों की जान बचाने के काम आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये शरीर मृत्यु और दाह संस्कार के बाद मिट्टी का ढेर बनकर रह जाता है। मेरी उम्र 45 वर्ष है। मैंने 20/6/2019 को देहदान के लिए लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में आवेदन दिया था, जिसका पहचान पत्र क्रमांक संख्या 107 पिछले कल मुझे मिल गया है। मेरे देहदान का उद्देश्य है, यह मानव शरीर नश्वर है, एक न एक दिन यह मिट्टी में मिल जाना है। प्रकृति द्वारा निर्मित हर चीज़, चाहे वह कोई भी जीव जंतु हो चाहे जानवर हो, किसी न किसी के काम आ ही जाता है, लेकिन मानव शरीर एक ऐसा है जो किसी के काम नहीं आता। मैं सोचता हूँ कि मेरे शरीर के कोई भी अंग जो ठीक हालात में है वह किसी न किसी के काम आ जाए, और बाकी का जो शरीर है वो प्रशिक्षु छात्रों को कुछ न कुछ सीखने के काम आए। धन्यवाद। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।